मोदी जी, जब से आपने अपनी टायर पंचर की दुकान के बाहर ये भैंसा गाड़ी खड़ा की है, तब से गांव वालों के बैठने का बहुत अच्छा जुगाड़ हो गया है। सब लोग गांव के यहीं पे आके बैठते हैं आपकी इस भैंसा गाड़ी पर। और मोदी जी, धंधा पानी कैसा चल रहा है? कहां पर योगी जी धंधा पानी चल रहा है? ऐसा लगता है लोगों के टायर पंचर होना ही बंद हो गए। एक भी पंचर दिन भर में सही कराने के लिए कोई नहीं आता है। और दूसरी बात ये, इस भैंसा गाड़ी के ऊपर मत बैठा करो। मैंने कितनी बार मना किया है, इस भैंसा गाड़ी के ऊपर मत बैठा करो। ये लालू जी की भैंसा गाड़ी है। लालू जी यहाँ पर खड़ा कर गए थे क्योंकि उनकी भैंसा गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। अब मैंने पंचर तो ठीक कर दिया था, लेकिन तुम सब लोगों ने बैठ बैठ कर दोबारा पंचर कर दिया। अब लालू जी किसी दिन आ गए भैंसा गाड़ी को लेने के लिए, बड़ा दिक्कत होगी। अरे लालू जी आ गए। मोदी जी, ये क्या देख रहा हूँ मैं, मेरी भैंसा गाड़ी पर सब लोग बैठे हुए हैं। अरे तुमने तो मेरी भैंसा गाड़ी को चौपाल बना रखा है, गांव के सारे लोग बैठे हुए हैं। अरे मुझे इतने दिन से आपकी दुकान पर आने का वक्त नहीं मिला, लेकिन मैं इतने दिन बाद भी आया हूँ। तुमने मेरी इस भैंसा गाड़ी के टायर का पंचर अभी तक ठीक किया ही नहीं है। अरे बोल लालू जी, बोल लालू जी। लालू जी, मैं आपके इस भैंसा गाड़ी का टायर का पंचर ठीक करने ही वाला था, लेकिन कर नहीं पाया। बहाने बहुत बनाते हो मोदी जी। अरे अखिलेश, योगी जी, केजरीवाल, मेरी भैंसा गाड़ी के ऊपर से उतरो। और राहुल, तुम तो मेरी भैंसा गाड़ी के टायर पर ही अपना पैर रखे हुए हो, पैर हटाओ। लालू जी, आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे हम भैंसा गाड़ी पर आपकी बैठ जाते हैं तो आपकी भैंसा गाड़ी घिस जाएगी। घिस क्यों नहीं जाएगी राहुल, भैंसा गाड़ी मेरी। तुम सब लोग पूरा पूरा दिन मेरी भैंसा गाड़ी पर बैठे रहते हो, तुम्हें और कहीं बैठने की जगह नहीं मिलती है। लालू जी, जब तक आपकी ये भैंसा गाड़ी मोदी जी की दुकान के बाहर खड़ी रहती थी, बैठे रहते थे, आप ले जाओगे? नहीं बैठेंगे? ले तो मैं तब जाऊंगा जब मोदी जी इस मेरी भैंसा गाड़ी के टायर का पंचर ठीक करेंगे। मैं तो कहता हूँ मोदी जी, जिंदगी भर लालू जी की इन भैंसा गाड़ी के टायर का पंचर मत ठीक करो। ये भैंसा गाड़ी हमेशा के लिए यही पे खड़ी रहे, इस पर बैठने पर बहुत मजा आता है। केजरीवाल जी, मर्यादा में रहकर बात करो, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। अरे हमेशा के लिए अगर आपको भैंसा गाड़ी पर बैठने का इतना ही शौक है तो नई भैंसा गाड़ी खरीद लो। मैं तो इस भैंसा गाड़ी को ले जा रहा हूँ। मोदी जी चाहे इसका टायर का पंचर ठीक करें या ना करें। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बोलो ममता दीदी, कितने करेले लोगी, एक किलो या आधा किलो? सोनिया जी, करेले बात को बेचना, पहले इधर देखो मेरी तरफ। मैंने आपको कितनी बार मना किया कि रोड पर बैठकर सब्जी मत बेचा करो, लेकिन आपने मेरी बात को इस कान से सुना उस कान निकाल दिया। लेकिन आज तो मैं चालान काट के रहूंगा। अरे मोदी जी, कोई मैं मोटरसाइकिल या कार चला रही हूँ जिससे मैंने कोई नियम तोड़ दिया और आप मेरा चालान काटोगे? ये बताओ किस चीज का चालान काटोगे? बीच रोड पर बैठने का हक नहीं है हमें क्या? ममता दीदी, आपने बताया नहीं करेले एक किलो लोगे या दो किलो? सोनिया जी, अब भी आप बीच रोड पर सब्जी बेचने में बिजी हो? मेरी बात को अब भी नहीं सुना तुमने? अरे मैं आपकी सब्जी का चालान काट दूंगा जिसके बाद आप कभी सब्जी नहीं बेच पाऊंगी। सोनिया जी, मुझे एक किलो करेले दो, मैं तो भागूं यहाँ से, मैं पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ूंगी। ममता दीदी, तुम्हें मैं कुछ नहीं कहूंगा, तुम तो सब्जी खरीद रही हो, दिक्कत तो मुझे सोनिया जी से है जो बीच रोड पर सब्जी बेच रही है। सोनिया जी, आप समझ नहीं रही है, अगर कोई ट्रैफिक तेज रफ्तार में आ गया तो तुम्हें भी दिक्कत होगी और हमें भी दिक्कत होगी, और अगर जाम लग गया यहाँ पर तो और ज्यादा दिक्कत होगी। तुम तो बीच रोड पर बैठी हो, थोड़ा साइड से बेचकर सब्जी को बेच लो। देखो मोदी जी, बीच रोड पर मैं सब्जी जब भी बेचती हूँ तो मेरी सब्जी जरा सी देर में बिक जाती है, जबकि मैं रोड पर साइड में बैठकर सब्जी बेचती हूँ कोई सब्जी लेता ही नहीं है। आपको मेरी सब्जी का चालान काटना है तो काट दो, लेकिन मैं यहाँ बीच रोड से नहीं उठूंगी। और बहन मायावती जी, आपने तो बैंगन ले लिया, आप कैसी बैठी पड़ी हो, जाओ घर। बड़ी जान आपद में लगता है सोनिया जी, मुझे लेडीज पुलिस को बुलाना पड़ेगा, वो ही तुम्हें इस रोड से हटाएगी। ये कोई हरकत है बीच रोड पर आप करेले बेच रही हो? अखिलेश, तुम सही वक्त पर आ गए, तुम ही बताओ ये सोनिया जी बीच रोड पर सब्जी बेच रही है, क्या ये ठीक कर रही है? नहीं मोदी सर जी, ये तो बिल्कुल गलत कर रही है। सोनिया जी, आपको बीच रोड पर सब्जी बिल्कुल नहीं बेचना चाहिए। सोनिया जी, जो आपने मुझे बैंगन दिए एक किलो, इसमें सारे के सारे बैंगन सड़े हुए हैं, दूसरे बैंगन दो मुझे। और जब सब लोग आपको मना कर रहे हैं बीच रोड पर सब्जी बेचने को, तो क्यों बीच रोड पर बैठी पड़ी हो? देखो सोनिया जी, अब तो तुमसे जो सब्जी खरीद रहे हैं वो भी मना कर रहे हैं, अब तो मान जाओ। बहन मायावती जी, आपको अगर मेरे बैंगन नहीं लेना है तो मत लो, लेकिन सड़े हुए मत बताओ। चलो मोदी जी, बीच रोड से सब्जी बेचना मैं बंद कर देती हूँ। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।